अरे क्या आनंद यहाँ है, यहाँ परदेश परोभाष स्वरूप विस्मृति स्वरूप हरा सजन हरा सब छोड़ करके हार करके आ करके संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके भगवत अंश होते हुए भी एक शरीरधारी पंचभौतिक शरीरधारी बन करके हम माया चक्र में घूम रहे और कहते हैं आनंद है। आनंद है, क्या आनंद है यहाँ, क्या आनंद है, कौन सा आनंद में तुम रम रहे हो? अभी भी तुम कहते हो आनंद है। हाँ आनंद है, अरे आनंद क्या आनंद, ये आनंद ही तुम्हारा बंधन का कारण है। क्या आनंद तुमको दो तुमको भ्रमित भ्रमित कर रहा है, क्या आनंद है तुमको, मिल गया भगवान मिल गया, तुम्हारा जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, तुमको भगवत प्राप्ति हो गई, तुम्हारी स्वरूप प्राप्ति हो गई, आनंद है बोल रहे हो। कोई कोई कहते हैं बाबा कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। हम कहते हैं बहुत शुभ संकेत है, अच्छा नहीं लगता है ये अच्छा है, अच्छा लगना ही खराब, अच्छा लग गया तो समझ लेना तुम फंस गया। दृश्यमान जगती वस्तु पदार्थ कोई भी हमारे आनंददायक है नहीं, जड़ कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकता है, आनंद चेतन धर्मी है। जड़ी वस्तु से हम आनंद प्राप्त करना चाहते है, उसमें आनंद मिलता भी है, वस्तु में उसमें आनंद नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप है। सपनों में जैसे हम वस्तु प्राप्त करके हम आनंद प्राप्त करते हैं, स्वप्न में कोई वस्तु नहीं, न शरीर है न संसार है, फिर भी स्वप्न जगत में हम किससे कैसे आनंद पाते हैं, और उस आनंद का विकार सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर होता है, वो आनंद का विकार, भय होता है तो भय प्राप्त होता है, और कोई विकार होता है तो विकारित होता है शरीर, लेकिन है नहीं वो, ना शरीर है ना संसार है, एक कल्पना मात्र, इस संसार भी ऐसे। यहां एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव में जड़ीय पदार्थ कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकता है, आनंद चेतन धर्मी है, भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा।